हेलो स्कूल गुरु जी मेंबर, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सारे के सारे अच्छे होंगे, अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन से। कल के डेट में जो मैच खेला जाना है साउथ अफ्रीका प्रीमियर लीग का, साउथ अफ्रीका T20 लीग का जो कि खेला जाना है। देखो IPL से एकदम से इम्प्रेस होकर इन्होंने लोगो वगैरह भी थोड़ी कर रखा है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना भी कोई कुछ कर ले, IPL का बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता है। हमारा भी IPL स्टार्ट होने वाला है 25 मार्च से, अच्छा खासा पैसा लपेटेंगे IPL सीजन में। एक बड़ा लीग है, पूरा वर्ल्ड का नजर जो है हमारा IPL सीजन पे रहता है। चलिए IPL की बात बाद में होगी, अभी जो खेला जाना है उस पर नजर डालते हैं। जो साउथ अफ्रीका T20 लीग खेला जाना है वो सनराइजर्स ईस्टर्न कैप और यहाँ से जोबर्ग सुपर किंग के बीच में खेला जाना है। देखो यार एकदम डिट्टो, कोई दिक्कत नहीं है। जो सनराइजर्स हैदराबाद का हमारा है और चेन्नई सुपर किंग का जो लोगो है इन्होंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्होंने परमिशन लिया होगा, नहीं तो इनके ऊपर जो है समझ रहे हो कि BCCI क्या करता है। आपसी मामले हैं, चलती रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या सब देखने के लिए मिलेगा, क्या सब सीखने के लिए मिलेगा आपको इस वीडियो में। देखो इस वीडियो में बेसिकली आपको सेशन टिप्स बताई जाएगी जो कि एकदम से 90% एक्यूरेसी के साथ सही रहती है। ड्रीम इलेवन का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन का टीम बनाया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैच प्रेडिक्शन जो कि मैच में फोकस की जाएगी कि कौन सी टीम जीतने वाली है, कौन सी टीम हारने वाली है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स वगैरह। ऐसा नहीं मैं बोल दूंगा ऐसे लो भाई ये जीतने वाली है, लो भाई वो जीतने वाली है, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और भी चीजें बताई जाएगी, प्लेयर रिकॉर्ड्स बताई जाएगी, उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते नहीं है फिर भी फर्स्ट मैचेज है तो ओवरऑल बेसिक चीजें क्लियर होने चाहिए। डेथ ओवर के बॉलर इंपॉर्टेंट होते हैं, की प्लेयर कौन से होने वाले हैं इस मैच में, ये सारी चीजें आपको बताई। बेसिकली देखोगे तो एक ऑलराउंडर सेक्शन आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है क्योंकि 11 से 12 ऑलराउंडर खेलने वाले हैं, 8 से 9 ऑलराउंडर खेलने वाले हैं दोनों टीमों के लगा के। तो 22 खिलाड़ी खेलने वाले हैं, 22 खिलाड़ी में यहाँ से 8 से 9 ऑलराउंडर ही हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा हम लोगों को। अब देखो यार कि वीडियो तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वीडियो में बातें होगी मैचेस की, आपको जिताई जाएगी, आपको समझाई जाएगी, ठीक है, आप लोग जीत जाओगे, आप लोग समझ जाओगे। बट इंड ऑफ द मोमेंट जो चीजें बदलाव होती है, जैसे अभी न्यूज मिला हमें, ठीक है, कि मंगाला नहीं खेलने वाले तो उनके जगह पे कौन से खेलेंगे खिलाड़ी, ये सारी चीजें क्विक अपडेट होती है। क्विक अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने लगभग कंपलसरी है, जाओ टेलीग्राम ज्वाइन करो, हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी, छोटी बड़ी अपडेट आपको मिलती रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या आप टीम रिकॉर्ड्स वगैरह देखोगे कि प्लेइंग 11 डिस्कस कर ले, चलो यार पहले प्लेइंग 11 ही डिस्कस कर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लेइंग 11 ही डिस्कस करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस तरीके से प्लेइंग 11 दे रखा है, जिस तरीके से मैंने बताया कि यहाँ से मंगाला के जगह पे यहाँ से अया बुलेला खेलने वाले हैं, ये भी एक अजीब सा नाम है, बट देखोगे ना यहाँ से कहीं ना कहीं जो कि फर्स्ट क्लास मैचेस रहे हैं वो इम्पोर्टेंट रहे हैं इस खिलाड़ी का, ठीक है, इस खिलाड़ी का फर्स्ट क्लास मैचेस इम्पोर्टेंट रहे हैं तो डेट ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। मान के चलो कि 2-4 विकेट ले जाते हैं उस कंडीशन में इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए, बट नहीं ले जाते हैं तो इम्पोर्टेंट होंगे ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये खिलाड़ी खेलते हुए आपको नजर आएंगे, ऐसे मंगाला खेलते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। एक 9 नंबर के खिलाड़ी जो है ऐसे डिस्पैच होते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ से ईस्टर्न कैप के लिए है। देखो डेविड मलान जो है एडम के साथ ओपनिंग कराने वाले हैं, फिर भी एडम का सिलेक्शन रेट देखोगे यहाँ से 37% है और यहाँ से स्टब्स जो कि बहुत नीचे आने वाले हैं, इनका सिलेक्शन रेट ऑलमोस्ट 67-68% है, ये भी देखोगे तो ये भी एक सीखने और जीतने वाली बात है। कहीं ना कहीं ये बहुत नीचे आ रहे हैं, कुछ कर जाते हैं एडम तो हेड टू हेड के लिए तो इम्पोर्टेंट होंगी। बेसिकली आप ग्रेड लीग खेल रहे हो तो यहाँ से स्टेप्स के साथ जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर आप हेड टू हेड खेल रहे हो उस जगह पे तो आपके लिए एडम इम्पोर्टेंट है ना, तो ये चीजें जानने आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं तोड़ तोड़ के बताता हूँ, समझाता हूँ आपको, एक्यूरेट सारी चीजें आप समझ जाते हैं ना। वीडियो को एंड तक देखना यार, की कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के ना आए ना फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझे गाली देके जाना, ठीक है, कुछ समझ में ना आए तो फिर मैं जितनी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ डेप्थ में बताता हूँ आपको, शायद ही कोई बता पाए, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो अब डेविड मलान रिसेंटली देखोगे कि लीग मैचेस अच्छे खेलते हैं, लीग मैचेस में इनका अच्छा पकड़ है, ठीक है, बेशक इंटरनेशनल मैचेस अच्छे खेले या ना खेले, हालांकि खिलाड़ी एकदम से तगड़े हैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट लीग मैचेस अच्छे खेलते हैं। वही निकल के आए एडम जो कि थोड़े टिक के खेलने वाले हैं,
तो इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए, हेड टू हेड हो या ग्रैंड लीग हो या स्मॉल लीग हो, कोई भी लीग है उसमें एडम जो है इम्पोर्टेंट होंगे। अब ऐसे एडन मार्करम का बात करें तो रिसेंटली बहुत ज्यादा मैचेस खेले हैं एडन मार्करम ने, आपने देखा होगा इंडिया के साथ भी मैचेस वगैरह हुई थी। एडन मार्करम अच्छे खेले, अब कैप्टन भी रहने वाले हैं अपने टीम के लिए, जो कि एस्टन कैप है उसके कैप्टन भी रहने वाले हैं। वन डाउन आने वाले हैं, ऑलराउंडर होने वाले हैं, कुछ ना कुछ बॉलिंग भी करा लेंगे, बॉलिंग में विकेट वगैरह निकाल लेते हैं तो एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा, नहीं तो बैटिंग में कुछ ना कुछ करके जाएंगे ही। तो एडम मार्करम आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। देखो एक बात करें यहाँ से सारेल का, तो सारेल का ऊपर नजर नहीं है लोगों का, इस बात का ध्यान रखना, नजर नहीं है तो नन फोकस्ड खिलाड़ी के अंदर आते हैं तो वो नन फोकस्ड खिलाड़ी ही आपको ग्रैंड लीग जितवा के जाती है। तो अगर आप बड़ा कॉन्टेस्ट खेलते हो छोटी एंट्री के साथ, उस कंडीशन में आपके लिए यहाँ से सारेल इंपॉर्टेंट होंगे, इस बात का ध्यान रखना है। हालांकि हेड टू हेड में भाई 11 ही खिलाड़ी ले सकते हैं, और भी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं हमें रखने होंगे, ठीक है। तो सारेल आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे ग्रैंड लीग में, याद रखना। देखो तोड़ तोड़ के मैं बता दूंगा सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं बात का, ठीक है। बात करें यहाँ से सिमेलेन का, तो सिमेलेन एक बेहतरीन ऑलराउंडर है और स्टेट लीग के मैचेस जो है अच्छे खेले हैं, सो डेट यहाँ से लिए गए हैं। हालांकि साउथ अफ्रीका T20 लीग है तो उनके कुछ पर्सनल भी जो खिलाड़ी है उनको यहाँ से एडवांटेज मिलने जरूरी है, तो यहाँ से सिमेलेन इंपॉर्टेंट होंगे, ये भी आपके लिए ग्रैंड लीग में इंपॉर्टेंट होंगे, ग्रैंड लीग में आप पिक करके कंबाइंड कर सकते हो, ठीक है। स्टेप्स का मैंने बताया ही, नीचे आएंगे थोड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्को अच्छे खासे बॉलिंग डिपार्टमेंट के साथ अगर जाना चाहो तो मार्को के साथ जा सकते हो, अच्छे खासे जो है यहाँ से स्पिन करा के विकेट वगैरह ले जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। और रिसेंटली अच्छा परफॉर्मेंस करा भी है इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी। लियाम डॉसन, देखो भाई इतना नीचे नाम है इनका, ठीक है, बट मान के चलो कि कहीं ना कहीं जरूरी होती है ना अच्छी पिक की, कहने का मतलब कि अच्छा खासा पुश चाहिए टीम को, एस्टन कैप को अच्छा खासा पुश चाहिए, उस कंडीशन में बहुत ऊपर आ सकते हैं लियाम डॉसन, इस बात का ध्यान रखना। बट इस कंडीशन में 8वें नंबर पे है तो ऑलराउंडर सेक्शन में आपको दिखेंगे। एक चीज है मैंने आपको बताई थी कि ऑलराउंडर डिपार्टमेंट थोड़ा आपको परेशान करेगा, क्यों, जैसे देख लो एक हो गए, दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, ठीक है, इधर से देखोगे तो पांच हो गए, छह हो गए, सात हो गए, आठ ऑलराउंडर अवेलेबल है, समझ रहे, तो कहीं ना कहीं थोड़ी डाउट क्रिएट होगी। हालांकि मैं हूं ना, मैं सारी चीजें आपको बता के दूंगा, समझा के दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लियाम डॉसन अब मंगाला तो खेलने वाले हैं नहीं, उसके जगह पे ये खिलाड़ी खेलने वाला है। और यहाँ से बात करें डेनियल का, तो देख लेना यार कि एक फास्ट बॉलर है, ठीक है, फास्ट बॉलर है, थोड़ी बहुत एज हो गई है, तो उस कंडीशन में सारी चीजें आप समझ जाना। हालांकि मैं टीम बनाऊंगा तो उसमें समझा दूंगा किस तरीके से आपको कंबाइंड करने हैं। अगर बात करें हार्मर का, तो हार्मर के पास अच्छा खासा पेस है, ठीक है, ये विकेट वगैरह ले सकते हैं, ये आपको डेथ के खिलाड़ी दिखेंगे, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। अब आते हैं यहाँ से सुपर किंग के तरफ से, तो फाफ डू प्लेसिस है जो कि मुझे लग रहा है कि फ्लॉप जाएंगे। क्यों फ्लॉप जाएंगे, एक रीजन है, ठीक है ना, कि जब जमेंगे ना, फर्स्ट मैच है, हालांकि कैप्टन भी अपने टीम के लिए थोड़े बहुत दिखाएंगे ये सारी चीजें, बट सबकी नजर है। और आप हेड टू हेड खेलो, ठीक है, या आप यहाँ से स्मॉल लीग खेलो, ठीक है, आप यहाँ से जीएल खेलो, कुछ भी खेलो ना, तो देखो हेड टू हेड में थोड़े कम रिस्क लिए जाते हैं, उसके बाद उससे थोड़े ज्यादा रिस्क लिए जाते हैं स्मॉल लीग में, और बहुत ज्यादा रिस्क लिए जाते हैं यहाँ से जीएल में, ठीक है। तो यही सारी चीजें आपको जितवा के देती है बड़ा पैसा। तो हेड टू हेड है, थोड़ा रिस्क लेंगे, थोड़ा रिस्क में आएगा, फाफ डू प्लेसिस को हम मिस करेंगे, अपने टीम में नहीं रखने वाले हम फाफ डू प्लेसिस को। हालांकि एक बड़ा रिस्क है, बड़े खिलाड़ी है, मैच इधर से उधर कर सकते हैं, बट मैं नहीं लूंगा, मैं या हारूं या जीतू पर्सनली मैं नहीं लूंगा अपने टीम में, ठीक है। अब रेजा हेंड्रिक्स है, इंपॉर्टेंट है खिलाड़ी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ से मोइन अली है, और बात करें डॉन का, तो डॉन भी एक उभरते हुए खिलाड़ी है, ग्रैंड लीग में आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। डॉन जो है, ठीक है, जो डॉन जो है, ठीक है, डॉन जो खिलाड़ी,
ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, वो भी ग्रैंड लीग में, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट कैसे हो गए, ये कि पहली बात की स्पिन कराते हैं। अब स्पिन का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है और T20 फॉर्मेट में आपको पता ही है, जब मान के चलो कि फास्टर है अच्छे खासे और इंटरनेशनल लेवल के बर्गर हैं ऐसे कॉर्टीज है, तो ये रोमारिया सेफर्ड है, अच्छे हैं, तो मार खाना जब स्टार्ट होंगे ना ये, तो बचाने आएंगे स्पिनर जैसे इमरान ताहिर हुए, ठीक है, डॉन हुए, ये सारे खिलाड़ी आएंगे। मान के चलो कि अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं और सबका नजर है अच्छे अच्छे खिलाड़ी के ऊपर, ये सारे खिलाड़ी नहीं चल पाते हैं, इसके बदले में स्पिनर चलते हैं, तो डॉन के पास विकेट आएगा, इमरान ताहिर के पास विकेट आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेम एज ऐसे ही खिलाड़ी हैं जो कि फास्टर को अच्छा खासा मार मारने वाले हैं। डेविड मलान आपको पता है पेसर्स को कितने अच्छे खेलते, एडम भी अच्छे जैसा कि उन्होंने बताया टिक टिक के खेलते हैं, उस कंडीशन में स्पिनर हो या फास्टर हो ये इनको आउट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। एडम मार्गन आपको पता है कि कितने बेहतरीन खिलाड़ी, ठीक है, तो ये सारी चीजें टॉप पे, तो टॉप पे डेथ काम नहीं देगा, ठीक है ना, टॉप पे अटैक करेंगे जो भी खिलाड़ी फास्टर करेंगे काम नहीं देगा, उस कंडीशन में स्पिनर अच्छे खासे विकेट लेके जाएंगे। सो आप हेड टू हेड हो या ग्रैंड लीग हो स्मॉल लीग हो, डॉन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, एक बात का ध्यान रखिएगा। रोनेन आते हैं जो कि विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको दिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और बात करें यहाँ से लियोस डुप्लोयो का, तो देखो बैट्समैन है बहुत नीचे है, ठीक है, लोग के एकदम नजर से बाहर है कि ऐसा कोई खिलाड़ी भी है, ठीक है, तो यही सारी चीजें ना मैं बार बार बताता हूँ, जिस तरीके से मैंने बताया आपको यहाँ से सारेल के बारे में, जिस तरीके से मैंने बताया डॉन के बारे में, जिस तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ लियोस के बारे में, ठीक है, तो ये नॉन फोकस्ड खिलाड़ी है, तो नॉन फोकस्ड खिलाड़ी ही आपको ग्रैंड लीग जितवा के जाते हैं। डेविड वीजा है, डेविड वीजा का बात करें तो सिलेक्शन रेट बहुत डाउन है क्योंकि इनको सेलेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, बट मैं बताना चाहूंगा कि टॉप के अगर फ्लॉप जाते हैं तो ये अच्छा खासा टच दिखा देंगे बैटिंग सेक्शन से, टॉप के सही रहते हैं तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी डेविड वीजा अच्छा करके जाएंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। रोमारियो सेफर्ड है जो कि वेस्ट इंडीज से आते हैं और इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, तो अच्छा खासा स्किल है इनके पास, बॉलिंग भी करा लेते हैं बैटिंग उतना ज्यादा, हालांकि ये बैटिंग ऑलराउंडर नहीं बॉलिंग ऑलराउंडर होने वाले हैं, तो बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो अगर आपको एक बॉलर चाहिए तो फिर आप रोमारियो सेफर्ड के साथ अच्छा वर्कर हो गए, ठीक है। इंटरनेशनली आपने रिसेंटली देखा कैसे कॉर्टीज हो गए, रिसेंटली आपने देखा कैसे खेले इंटरनेशनल सीजन से, ये ले लिए संन्यास इमरान ताहिर, तो लीग मैचेज ही खेलते हैं, अच्छे खासी स्किल है, अच्छे खासे एक्सपीरियंस है इमरान ताहिर, ठीक है। तो ये सारी चीजें है प्लेइंग 11 मैंने अच्छे से डिस्कस करे। अब सारा डाउट जो है ना ऑलमोस्ट 90% डाउट आपका जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन करा प्लेइंग 11 में ही खत्म हो गया होगा आपको, ठीक है। कुछ चीजें अब बताने वाली है समझाने वाली है, इसको समझना कहीं ना कहीं काम दे दे, ठीक है, बट मेरे नजर से तो ये सारी चीजें काम नहीं देने वाली है, जो भी है खुद के एनालिसिस होती है, फिर भी कुछ लोग बोलते हैं अब भैया बता दो, तो सारी चीजें चलो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो हेड टू हेड क्या है ना कि हेड टू हेड में देखो तीन मैचेस का, ठीक है ना, तीन मैचेस हुए हैं, एक मैचेस ड्रॉ हो गया, ठीक है, बाकी विन का देख ही लो, सनराइजर्स ने इधर से जीता जब मैच खेला गया, सुपर किंग हार गया, सुपर किंग एक मैच जीता, सनराइजर्स हार गया, यहाँ से सुपर किंग तीसरा मैच जीता, यहाँ से सनराइजर्स गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तीन मैचेस का रिकॉर्ड इधर देख लो, एक तो ड्रॉ हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। चलिए अब जो मान के चलो कि यहाँ से सनराइजर्स ईस्टर्न कैप का जो लास्ट मैच खेला गया, और बात करें यहाँ से बर्गर सॉरी यहाँ से जो वर्ग सुपर किंग्स के बीच में जो लास्ट मैच खेला गया, कहने का मतलब कि उसमें कौन से टीम जीती थी, कैसी रही थी परफॉर्मेंस, यहाँ पे दिया, ठीक है ना। बात करें तो यहाँ से प्रिटोरिया कैपिटल के बीच में मैच खेला गया जिसमें यहाँ से सनराइजर्स जीत गया, ठीक है ना। फिर से मैच खेला गया 12 को यहाँ से प्रिटोरिया कैपिटल के बीच में, उसमें भी यहाँ से सनराइजर्स जीत गया, ठीक है। फिर यहाँ से मैच खेला गया जो कि यहाँ से जोबर्ग सुपर किंग के साथ आई, तो उसमें जो है यहाँ से सनराइजर्स जीत गया, ठीक है। फिर जो यहाँ से मैच खेला गया जोबर्ग सुपर किंग्स और सनराइजर्स ईस्टर्न कैप के बीच में, इसमें जो है भाई यहाँ से सनराइजर्स ईस्टर्न कैप जो है मैच हार। फिर मैच खेला गया ऐसे डर्बन सुपर किंग जायंट्स के, सॉरी यहाँ से
यहाँ से डरबन सुपर जायंट्स के बीच में इसमें मैच जो है यहाँ से ड्रॉ हो गया, ठीक है, मैच ड्रॉ, ठीक है। बात करें सनराइजर ईस्टर्न कैप और यहाँ से पर्ल रॉयल्स के बीच में जो मैच खेला गया उसमें भाई यहाँ से पर्ल रॉयल्स मैच जीत गई, यहाँ से सनराइजर्स ईस्टर्न कैप जो है मैच हार गई, ये खेला गया, ठीक है। सेम मैच देखोगे यहाँ से जोबर्ग सुपर किंग्स के बीच में जितने भी मैचेस खेले गए लास्ट मैच तो देखोगे तो एक मैच हारी है, एक मैच यहाँ से ड्रॉ हुआ है, ठीक है, तीन के चार मैच जो है जीती यहाँ से जोबर्ग सुपर किंग। तो कहीं ना कहीं जोबर्ग सुपर किंग जो है भारी है, बट रिसेंटली देखोगे हाँ भारी होनी भी चाहिए क्योंकि जो देखोगे बैटिंग डिपार्टमेंट हो गए बॉलिंग डिपार्टमेंट हो गए वो सारे के सारे तगड़े हैं, तो कहीं ना कहीं 70-30 का रेशियो रहेगा, ठीक है, 70% यहाँ से CSK और यहाँ से JSK को जीतने के चांसेस होंगे, और बात करें यहाँ से 30% देखोगे तो 30% यहाँ से जीतने के चांसेस होंगे जो कि यहाँ से डुप्लीकेट हैदराबाद, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी, तो सनराइजर्स ईस्टर्न कैप का बात करें तो इसमें 30% जीतने के चांसेस होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी मैच कंबाइंड होगी, अपने तरीके से खेली जाएगी, किस तरीके से कंबाइंड होगी A to Z इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिलते रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ड्रीम इलेवन ओपन करते हैं, एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ टीम बनाते हैं, क्या सब कॉम्बिनेशन रहने वाली है, किस तरीके से सारी चीजें मैं आपको तोड़ तोड़ के बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि एडम इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टब्स बहुत नीचे आएंगे तो ग्रैंड लीग खेलते हो अगर आप तो इम्पोर्टेंट होंगे स्टब्स आपके लिए, ठीक है। बैट्समैन सेक्शन में आओगे तो 95% सिलेक्शन रेट है, देखोगे तो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि मैं पाव डू प्लेसिस को लूंगा नहीं, डेविड मलान को लूंगा मैं, जैसा कि मैंने बताया था सारेल के बारे में सिलेक्शन रेट देख लो भाई 8% है मात्र, ये इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए ग्रैंड लीग में, तो एक नजर डालना। हालांकि मैं हेड टू हेड का बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ टीम बना के दे रहा हूँ आपको, तो हेड टू हेड का ही सारी चीजें मैं रेजा हैंड्रिक्स को लूंगा मैं अपने जगह पे, और जैसा कि उन्होंने बताया था कि लुइस का बात करें तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा ग्रैंड लीग में, इसके बारे में मैंने आपको बताया था जब मैंने यहाँ से लाइनअप क्लियर किया था, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन में आते हो तो ऑलराउंडर सेक्शन में बर्बर के खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको लेने हैं, एडम मार्करम हो गए यहाँ से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉन हो गया, मैं डॉन को लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं डॉन को, ठीक है। डेविड वीजा को भी मैं लूंगा। अब चलो आते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में, बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इमरान ताहिर को मैं लूंगा, देखो छोड़ दिए लोग, भूल गए हैं कि कौन से खिलाड़ी है कैसे सारी चीजें, ठीक है ना। यहाँ से पोर्टेज को मैं लूंगा, और यहाँ से मैं बात करूँ बर्गर को मैं लूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो कि एक उबरते हुए खिलाड़ी ना बने बट मुझे लगता है कि विकेट वगैरह निकाल के देंगे, इस हिसाब से मैं यहाँ से वरेल को भी अपनी टीम में लूंगा। और एक मैंने एक खिलाड़ी बताया था जो कि इम्पोर्टेंट है बट ग्रैंड लीग वगैरह में, अगर यहाँ से मंगाला की जगह पे ये खेलते हैं तो यहाँ से आया बुलेला आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे अगर खेलते हैं तो, हालांकि कन्फर्मेशन उतनी ज़्यादा है नहीं, इस बात का ध्यान रखना। और एक खिलाड़ी है अपने तरीके से उठा सकते हो आप, हैमर को उठा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी आपको जो है पैसा स्पिनर डिपार्टमेंट संभालते हुए आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो ये देख लो, और भी चीज़ें हैं आप देख सकते हो अपने तरीके से, मैं ऑलराउंडर और बॉलिंग डिपार्टमेंट पे ज़्यादा फोकस किया हूँ, और एकमात्र खिलाड़ी आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेंगे, दो खिलाड़ी आपको दिखेंगे बैट्समैन सेक्शन से। तो ये प्रीव्यू है, आप इस टीम के साथ जा सकते हो, इजीली हेड टू हेड जीत जाओगे, हालांकि कुछ रिस्क भी है इसमें, इस तरीके से अगर आप रिस्क फ्री खेलना चाहते हो तो एक बॉलिंग डिपार्टमेंट के खिलाड़ी को हटा के आप पाप डुप्लीसिस को अपनी टीम में रख सकते हो, हालांकि मुझे थोड़े बहुत रिस्क लेने हैं, तो रिस्क लेंगे तो जीतेंगे नहीं तो फिर कहाँ से जीतेंगे, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये देख लेना। बात करें कैप्टन का, तो कैप्टन आपके लिए एडम मार्करम इम्पोर्टेंट होंगे, वाइस कैप्टन यहाँ से मैं डॉन को बनाऊंगा, डॉन क्योंकि एक उभरते हुए खिलाड़ी है, अच्छा खासा करके जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, जीतते रहिए लाइफ में आगे।